ऑटोमोबाइल वर्कशॉप विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित रहता है। किसी भी जॉब को करने के लिए यह आवश्यक है कि आपको विशेष उपकरणों की समझ और पहचान हो। मापक यंत्र के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप इंजन के मैकेनिकल मेजरमेंट में प्रयोग होने वाले विभिन्न मापक यंत्रों को पहचान पाएंगे। माइक्रोमीटर, आमतौर पर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक कैलिब्रेटेड स्क्रू लगा होता है। इसका उपयोग बाहरी डायमेंशंस को 0.01 मिलीमीटर की सटीकता तक मापने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर में यू आकार का एक मजबूत फ्रेम होता है, ताकि किसी पुर्जे का माप लेते समय कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। जिस पुर्जे को मापना होता है उसे एनविल और स्पिंडल के बीच रखा जाता है। एक लंबे बैरल या नली से जुड़ा होता है, जिसे आमतौर पर स्लीव कहते हैं। बैरल पर एक सीधा लीनियर स्केल होता है और यही मुख्य स्केल है। इस बैरल के ऊपर एक खोखला ट्यूब होता है, जिसे थिम्बल कहते हैं। थिम्बल पर एक सर्कुलर स्केल होता है, जिसे घुमाया जा सकता है। माइक्रोमीटर में एक लॉक नट होता है, जिससे एनविल और स्पिंडल को लॉक किया जा सकता है, ताकि माप लेते समय सटीकता मिले। यह एक रैचेट है। यह मापी जा रही वस्तु के ऊपर बैरल और स्पिंडल को कसकर पकड़ने के लिए एडजस्ट करने में सहायता करता है। माइक्रोमीटर स्क्रूगेज से मापी गई किसी भी वस्तु का माप इस प्रकार होगा। डायमेंशन बराबर लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस जीरो एरर रीडिंग। वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किसी भी मैकेनिकल वस्तु की आंतरिक डायमेंशन, बाहरी डायमेंशन और गहराई मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर के उपयोग से 0.02 मिलीमीटर तक के छोटे डायमेंशन को मापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर में एक एल आकार का फ्रेम होता है, जिस पर मुख्य स्केल बना होता है। फ्रेम पर सरकने वाला एक स्केल होता है, जो मुख्य स्केल पर सरकता है। इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्लाइडिंग स्केल पर एक लॉक नट होता है। यह लॉक नट स्केल को लॉक करने के काम आता है, ताकि सटीक रीडिंग ली जा सके। स्टाइलस, इसका उपयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है। भीतरी जॉज का प्रयोग आंतरिक डायमेंशन मापने के लिए किया जाता है। और बाहरी जॉब्स का उपयोग बाहरी डायमेंशन मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर से मापी गई वस्तु का डायमेंशन इस प्रकार होता है। डायमेंशन बराबर मुख्य स्केल की रीडिंग अधिक कोइंसाइडिंग डिवीजन गुणा लीस्ट काउंट। बोर गेज को डायल गेज भी कहा जाता है। बोर गेज का प्रयोग फ्लैटनेस, टैपर, कॉन्सेंट्रिसिटी या पैरेललिज्म को मापने के लिए किया जाता है। इसकी सटीकता बहुत ही ज्यादा होती है। 1 माइक्रोन यानी 0.001 मिलीमीटर। इसमें एक रैक होता है, जो पिनियन से लगा होता है और स्टाइलस से जुड़ा होता है। स्टाइलस का मूवमेंट लीनियर होता है, जबकि डायल का पॉइंटर घूमता है। माप पूरा हो जाने के बाद स्टाइलस एक स्प्रिंग की सहायता से अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। आइए हम संक्षेप में देखते हैं कि इस सत्र में हमने क्या सीखा।